अब देखो यहाँ पे, ये सामने एनिमेशन दिख रहा है ना? ये आपको आप बोल सकते हो हट टाइप का जो होता है ना ऊपर, तो ये कर्व है, ये कर्व, ये मैंने ये सरफेस इसको बोलते हैं, राइट? बट सरफेस को जब तुम एक प्लेन से कट करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? कर्व दिखेगा, है ना? सरफेस को प्लेन से, इस प्लेन से कट कर रहे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है? कर्व दिख रहा है। तो बता सकते हो इस सरफेस पे कितने कर्व्स हैं? इनफाइनाइट कर्व्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स हैं। बट हम रिसर्चर जब रिसर्च करते हैं ना, तो एक समय में एक ही कर्व पे रिसर्च करते हैं, इसलिए तुम्हें एक ही कर्व को हाईलाइट किया गया है, वो एक कर्व का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, राइट? अब वो जो कर्व है उस पर एक लाइन है जो टेंजेंशियली पास हो यस रहा है, देख रहे हो लाइन जो है वो टेंजेंशियली पास हो रहा है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर है, 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड के लिए, है ना? और आपने सोचा होगा कि सर ने डिफरेंशिएशन 1 वीक में पढ़ाया, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चले गए। उसका रीजन क्या है कि मेरा टारगेट क्या है कि पहले आपको एक बार मैथ्स फास्ट पढ़ाया जाए, कि आपको सब कुछ पहले समझ में आए कि क्या क्या मैथ्स में पढ़ना है ना? और फिर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करा जाए, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम कर रहे हैं, और इसमें क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे? तो क्वेश्चंस आएंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल से, क्वेश्चन आएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन जो है वो है रेट मेजर, रेट मेजर, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन वो है रोल्स थ्योरम, रोल्स एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। देन आएगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है? देन आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा। तो ये एक बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने डीवाई बाई डीएक्स हमने जो पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन है वो हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक क्वेश्चन रहता है, रोज थ्योरम से एक क्वेश्चन रहेगा, टेंजेंट नॉर्मल रेट मेजर, और इसे में लिख लो अप्रॉक्सीमेशन भी पढ़ना है हमें, अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है? इससे एक क्वेश्चन रहेगा, बड़ा यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो कर्व दिख रहा है तो मैं टेंजेंट भी दिख रहा है ना, तो चलो हम लोग आज टेंजेंट और नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फर्स्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलो सेकंड फिगर पे आते हैं, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है? अब ये सपोज ये कर्व है, तो जब भी मैंने एक 2D कर्व ड्रॉ किया ना, तो तुम्हें 3D दिखना चाहिए, ये इसका 3D हो गया। पर जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे ना, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, तो हमें सिर्फ ये पार्ट दिखेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है? ये कर्व दिखेगा। तो हमारा इन्वेस्टिगेशन इस कर्व पे चल रहा है। अब इस कर्व पे ये क्या है, ये लाइन बिल्कुल टच होते हुए पास हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है? और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और ये कर्व है, तो सपोज कर्व का मैथमेटिकल इक्वेशन हम ले लेते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये पॉइंट क्या हो गया, पी।
अब क्वेश्चन है सर, ये टेंजेंट एंड नॉर्मल रियलिटी में फील कैसे करें, कहाँ यूज़ किया जाता है इसे? ठीक है, तो अभी टेक्नोलॉजी का हेल्प करेंगे, हेल्प लेंगे हम लोग। अच्छा देखो, ये एनिमेशन क्या दिखा रहा है, टेंजेंट बनता कैसे है उसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, तो कैसे बनता है, तो देखो इनिशियली ये कॉर्ड था ए टू बी, ये कॉर्ड था ए टू बी। अब ये बी पॉइंट जो है वो स्लोली स्लोली जब स्लाइड होते होते ए को टच कर जाएगा, तो ये क्या दिखेगा तुम्हें? ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, तो ये क्या बन जाएगा? टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्ड है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अगर हम एनिमेशन में देखें तो एनिमेशन में डेल्टा एक्स देखो तो जीरो की तरफ जा रहा है क्या? जैसे जैसे ये कॉर्ड टेंजेंट में कन्वर्ट हो रहा है वैसे वैसे ये डेल्टा एक्स किधर जा रहा है बच्चों? जीरो की तरफ जा रहा है, देख रहे हो पारुल? तो देखो ये पॉइंट किधर जा रहा है, ये स्लोली स्लोली ऐसे स्लाइड होते होते ये डेल्टा एक्स कम हो रहा है, तो इसीलिए इसको लिखते हैं कि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट, लिमिट का मतलब जब डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है जिसको तुम लिखते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना? तो जब भी तुम डी वाई बाई डी एक्स बोलते हो ना तो तुम एक पॉइंट पे हो, एक पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हो, एट अ पॉइंट। तो टेंजेंट नॉर्मल हम कहाँ यूज करते हैं, है ना? देखो ये सब इमेजिनेशन करना हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था जब, क्योंकि हम लोग तो बुक से पढ़ते थे तो उस ये सब तो था नहीं, तो हम कॉर्ड को इमेजिनेशन, ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हुआ क्या मीनिंग है यार, यही समझ में नहीं आता था। बट बिल्कुल ग्राफ में दिख रहा है कैसे वो जीरो की तरफ जा रहा है और कॉर्ड एक टेंजेंट बन गया, है ना? तो हमें जो है ना वो फॉरेनर राइटर्स का बुक्स पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वो लोग जब लिखते थे तो हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली समझाते थे कि कैसे होता है कॉर्ड कैसे टेंजेंट बन जाता है। चलो ओके, अब देखो यहाँ पे एक मैंने एनिमेशन लाया, हालांकि ये सारे सॉफ्टवेयर्स आगे आपको पढ़ने हैं जिसको हम ऑटो कैड बोलते हैं, ऑटो कैड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पढ़ने होते हैं इंजीनियरिंग में, कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं लिख देता हूँ, ऑटो कैड है, एनसिस है ना, उसके बाद है कटिया, उसके बाद है प्रोई, उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर है इस तरह के, स्टैंड प्रो, ये किसका भाई? वही मुझे लगा किसका। अच्छा तो क्या करना, अच्छा लगेगा पढ़ाई करना। ठीक है, अच्छा बच्चों इस कर्व में आप ऐसा इमेजिन करो वो जो पॉइंट है ना उसको एंट ले लो, एंट, एंट को देखा है तुमने? तो वो एंट पार्टिकल हो गया और वो पार्टिकल उस पाथ पे मूव कर रहा है और उस पाथ पे कहीं भी कॉर्नर नहीं है, इसका मतलब है कि ये पाथ क्या है, कंप्लीटली डिफरेंशिएबल है। इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, कंप्लीटली डिफरेंशिएबल हो गया। जैसे ये बॉटल, ये बॉटल क्या है, कहीं भी कॉर्नर दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है ना, ये हमेशा ये क्या है, ये कर्व है, कर्व, ये डिफरेंशिएबल है। मार्केट में जाओगे बोलो कि डिफरेंशिएबल बॉटल दे दो, बोलेगा यार ये कौन सा ब्रांड आया है, अरे तो नहीं समझते हो, फिर उसको समझाना नोटबुक में, तब तो सैल्यूट करेगा ना वो, है ना? तो ये कर्व हो गया, ये कर्व है, देखो ये कर्व है ना, ये कर्व है, और वाटर ऐसे टेंजेंशियली पास हो रहा है, देखो वाटर ऐसे टेंजेंशियली पास हो रहा है, तो जब वाटर ऐसे टेंजेंशियली पास हो रहा है तो ये लगभग सर्कुलर पाथ है, तो एक अंदर की तरफ ही फोर्स लगेगा, उसको हम क्या लिखेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स, वो फोर्स नॉर्मल हो जाएगा और वाटर जो है वो टेंजेंशियल हो जाएगा, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो हाँ
तो देखो बच्चों, इसमें अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो ये टेंजेंट हो गया, और इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो गया? नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है? याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा करते थे तुम, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये था न्यूक्लियस और ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में फोर्स एक्ट होता था, ये जो फोर्स है वो नॉर्मल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता था वो टेंजेंशियल होता था। याद है ना? पर तो ये टेंजेंशियल हो गया और ये नॉर्मल हो गया, है ना? तो टेंजेंट नॉर्मल हमेशा पेयर्स में आता है। ये देखो, ये भी कर्व है, कर्व पे टेंजेंट है और उसके नॉर्मल हो गया। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर अपना चेक कराया कभी तुमने? है ना? तो वो भी क्या है? नॉर्मल है। ब्लड टेंजेंशियल फ्लो करता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है ना? किसी को ऐसे कट करोगे ना तो ब्लड उसमें से बाहर आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर आएगा। यहाँ भी मैथमेटिक्स ही है, ठीक है? ओके। अच्छा, ये जो है, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये क्या है? लगभग टॉर्टवाइज आपको दिख रहा है, ये टॉर्टवाइज है, ये टॉर्टवाइज ही है, टॉर्टवाइज है ना? लेकिन ये टॉर्टवाइज कितने कर्व से बना है, देखो, ये बहुत सारे कर्व से बना है ये। तो ये जो आपको जो सामने जो प्रोडक्ट दिखते हैं ना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर में ये प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसे, और वो टॉर्टवाइज। तो उसमें भी बहुत सारे देखो टेंजेंट है, नॉर्मल है, बहुत सारे टेंजेंट नॉर्मल के एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ये एक मिनट, हाँ, ये क्या है भाई? मतलब कि अच्छा, कोई ले ले तो। अच्छा, यहाँ पे ये जो शिप जा रहा है वाटर के टेंजेंशियल जा रहा है, देख रहे हो ना? शिप जो जा रहा है वाटर के टेंजेंशियल जा रहा है, मैंने वाटर को एक कर्व की तरह ट्रीट करूँ, इनफाइनाइट कर्व्स होंगे वाटर के सरफेस पे, और ये बैठा हुआ है नॉर्मल डायरेक्शन में, है ना? जब भी आप घूमने जाओगे तो ऐसे बात करना, शिप टेंजेंशियल जा रहा है, हम लोग बैठे हुए नॉर्मल डायरेक्शन में, राइट? अच्छा, उसी तरह से ये बताओ, ये वाटर नहीं दिखना चाहिए, ये कर्व दिखना चाहिए तुम्हें, है ना? और ये टेंजेंशियली जा रहा है ना? आप समझ रहे हैं, स्विंग कर रहा है, यस, राइट? अच्छा, ये क्या है? हाँ, वेरी गुड, अब तुम्हें फील होने लगा, हूँ सीख लिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स फील होना चाहिए, है ना? ये कौन सा एनिमल है ये? हाँ, ये नॉर्मल डायरेक्शन में बाहर आ रहा है ना? और जो फ्लोट कर रहा है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कर रहा है, और जो वाटर का सरफेस है कर्व्स है। फील हो गया ना? ठीक है, चलो यहाँ तक ही हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले आज, यस। अब हमें क्या करना है? टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। चलो बच्चों, तो देखो, ये कर्व ले लिया मैंने, ठीक है? ये है वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये एक पॉइंट है पी, यहाँ से ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। और किस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है? एक्स वन वाई वन से ड्रॉ किया है। तो लिखोगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, जब तुमने लाइन पढ़ा होगा, आपको बहुत पहले याद आ रहा होगा, 100 200 साल पहले लाइन पढ़ा होगा, लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे। जब लाइन एक पॉइंट से पास होता है तो उसका इक्वेशन जो है वाई माइनस वाई वन एम इंटू होता है ना? तो वाई माइनस वाई वन, वॉट इज एम? एम वन इज स्लोप, यस। तो एम वन को हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। तो ये हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। तो वो जो बोट जो जा रहा था ना, वो टेंजेंशियली जा रहा था, तो वो किस इक्वेशन को, किस मैथमेटिकल लैंग्वेज को फॉलो करेगा? तो इसको फॉलो करेगा,
तुम जब बैटिंग करते हो तो तुम नॉर्मल डायरेक्शन में रहते हो और ग्राउंड टेंजेंशियल होता है ना? आप समझ रहे हो, बॉल को जब आप थ्रो करते हो बाउंस बैक होता है, नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैथमेटिक्स आपको हर जगह दिखना चाहिए, राइट? ओके, अब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, राइट? तो नॉर्मल क्या होगा? चलिए, लाइफ इज अ मैथ्स इक्वेशन, इन ऑर्डर टू गेन द मोस्ट यू हैव टू नो हाउ टू कन्वर्ट द नेगेटिव इंटू पॉजिटिव्स। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं नॉर्मल का इक्वेशन निकालता हूँ। नॉर्मल, जी, जी। पता है तुम्हें, एरोप्लेन जो है ना वो इसी तरह से मूव करता है, एक इनविजिबल पाथ होता है जो हमें नहीं दिखता है, और एरोप्लेन जो है वो उस पर स्लाइड करता है, जिसको तुम क्या लिखते हो, नेविगेशन बोलते हो ना शायद? हाँ, तो जो पायलट होता है वो पायलट थोड़ी प्लेन चलाता है, वो तो ऑटो पायलट होता है ना। वो पायलट जो होता है वो लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए होता है, बाकी तो पायलट सेट कर देता है उस पाथ पे, जैसे वो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, वो पाथ पे ऐसे टेंजेंशियली मूव करता चला जाता है। जब टेक ऑफ करना होता है, लैंडिंग करना होता है, तब पायलट का रोल आता है, नहीं तो ऑटो पायलट ही फ्लाइट चलाता है ना? जी, कोई क्वेश्चन था? ओके, तो अगर मुझे, अभी जस्ट हमने क्या देखा बच्चों, टेंजेंट का इक्वेशन देखा ना, ये कर्व है और ये क्या हो गया, टेंजेंट। तो इसका नॉर्मल क्या होगा? कहीं ना कहीं ऐसा आएगा नॉर्मल। ये पॉइंट क्या है? पी। ये x1 y1। तो टेंजेंट का स्लोप अगर m1 ले लोगे तो नॉर्मल का स्लोप क्या लेना पड़ेगा? m2। और जब भी दो लाइन M2 आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, तो m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। तो अगर मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y-y1 इज m2 इंटू x-x1। तो y-y1 इज -1 अपॉन m1 x-x1। तो ये होगा नॉर्मल का इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना है, m2 के जगह पे -1/m1 रख देना है। चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लें। चलो लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, टू कर्व 2y इज इक्वल्स टू 3-x² एट 1, 2। ठीक है, तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसे कैसे सॉल्व करना है। आंसर, तो फर्स्ट स्टेप, 2y इज इक्वल्स टू 3-x²
नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के लिए हमें स्लोप एम वन निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, थ्री का डिफरेंशिएशन ज़ीरो माइनस ऑफ टू एक्स, ये कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है स्लोप, सो एट वन कॉमा वन एम वन इज इक्वल्स टू, एम वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है। मैंने बस कुछ नहीं किया, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, मैंने दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट किया है, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, थ्री का तो ज़ीरो हो गया और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स हो गया, टू एंड टू कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा, हो गया। अब चलो बच्चों, अब देखो मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालता हूँ, टेंजेंट समझते हो ना, कभी कभी चीज़ें ऐसे टेंजेंशियली पास हो जाती है, तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो यहाँ लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ क्या था फॉर्मूला जल्दी बताना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई वन इज एम वन एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, यही तो है टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। ओके चलो, पॉइंट्स दिया हुआ है क्या, किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, वन वन पे दिया हुआ है, तो वाई माइनस ऑफ वन, स्लोप है माइनस वन, एक्स माइनस ऑफ वन, सो वाई माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वाई माइनस वन इज ज़ीरो, तो एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया आपने। इक्वेशन क्या होता है, लोकस ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का वैल्यू तुम पुट करते जाओगे तो वो बताएगा कि कैसे पार्टिकल टेंजेंशियली मूव कर रहा है, वो पाथ का इक्वेशन बताता है। जैसे ये बोट, तो ये बोट देख रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, और वो वाटर के टेंजेंशियल है, तो वो पाथ का इक्वेशन है ये, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू। अब देखो उस पे जो बंदा बैठा हुआ है नॉर्मल, उसका इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, चलो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू इन टू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन, है ना। चलो एम टू वाई माइनस वाई वन दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, एक्स वन वाई वन, एम टू क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एम वन एक्स माइनस ऑफ वन, वाई माइनस वन, स्लोप क्या दिया हुआ है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वन, सो वाई माइनस वन इज एक्स माइनस वन, हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं फिर वाई को, माइनस वन कैंसिल इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये का आंसर है और ये दूसरा आंसर है, टेस्ट में आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलो मैं जाऊँ आगे बढ़ो, ठीक है ना पारुल, समझ लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, ये किस मूवी का है ये सीन, ये वाला,
फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू पैराबोला, टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच। चलो जो बच्चे ऑनलाइन में हैं सब चले गए। नो सर, है ना? ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। ठीक है, कैसे टेंजेंट नॉर्मल निकालना है। तो चलो अगेन, तो पैराबोला का इक्वेशन एक रफ मैं यहाँ पे ग्राफ ले लेता हूँ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और ये रिवर ही है और इस पे ऐसे बोट टेंजेंशियली मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये टेंजेंट हो गया। तो जब भी हमें टेंजेंट निकालना होता है ना, तो सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर 4ax का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 4a/2y। डिफरेंशिएशन तो जानते हो ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना जानते हो। तो पहले पावर को करेंगे, फिर y को करेंगे। 4a कांस्टेंट था, 4a को वैसे ही कॉपी कर दो ताहिर, और एक्स का 1 हो जाएगा। अच्छा, अब किस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है। तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a/2 इंटू वॉट इज वाई, 280, ए और ए कैंसिल, 2 2 ज़ 4, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 1/t हो जाएगा। ओवर। अब देखो टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, मैं आगे जाता हूँ। यस सर। तो हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलो क्या होता है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम वन एक्स माइनस ऑफ एक्स वन। तो वाई माइनस वाई वन क्या था, आई थिंक 280 था शायद, 280, और ये था 1/t एक्स माइनस ऑफ 80 स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करो, तो y माइनस ऑफ 280 इज x/t माइनस ऑफ 80। या डायरेक्ट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो जाएगा y ऑफ t माइनस ऑफ 2 ऑफ t स्क्वायर इज एक्स माइनस ऑफ 80 स्क्वायर। पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, फिर 280 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 80 स्क्वायर। तो एक्स माइनस ऑफ वाई टी प्लस क्या लिख सकते हैं, 80 स्क्वायर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा।
ये नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन होता है ये एनिमल? नॉन वेजिटेरियन दोनों है क्या? हाँ क्या? अच्छा बट कभी हमने रिवर में ऐसा देखा नहीं है इनको, है ना? ऐसा रिवर में कभी देखा नहीं है ना? समुद्र में भी नहीं देखा हमने कभी, लेक वगैरह में रहता है क्या? चलो अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम टू एक्स माइनस ऑफ एक्स वन। तो y माइनस ऑफ 280 इज माइनस वन अपॉन एम वन एक्स माइनस ऑफ 80। ठीक है, तो y माइनस ऑफ 280 इज माइनस वन अपॉन वन बाई टी एक्स माइनस ऑफ 80। तो y माइनस ऑफ 280 इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स माइनस ऑफ। तो y माइनस ऑफ 280 इज माइनस ऑफ एक्स टी प्लस ए टी क्यूब। तो अभी हो जाएगा एक्स टी प्लस वाई माइनस ऑफ 280 माइनस ऑफ ए टी। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, है ना? हो गया क्या बच्चों, लिख लिया आपने आंसर? हो गया, चलो हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, लिखोगे फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व वाई इज वाई माइनस ई टू द पावर एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 at which we have
वर्टिकल टेंजेंट। वी हैव वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। चलो देखो इसमें वर्टिकल टेंजेंट कैसा दिखेगा। वर्टिकल टेंजेंट कुछ ऐसा होगा ना, मैंने ये कर्व है तो वर्टिकल टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, राइट। ये ऐसा सीधा होगा, ये वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, इसका स्लोप क्या होगा, ये तो 90 डिग्री हो गया ना एक्स के साथ। टेन 90 क्या होता है, साइन 90 बाई कॉस 90, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट दिया है ना, तो वर्टिकल टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन है सर कैसे आपने लिखा, तो टैन 90, टैन 90 क्या होता है, साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 का वैल्यू 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, 1/0 इज इन्फिनिटी। है ना, तो स्लोप यहां पे इन्फिनिटी हो रहा है। तो चलो स्लोप निकाल सकते हो क्या, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर्व को, कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो चलो वाई माइनस ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस एक्स, चलो इसको डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, क्योंकि जब तक डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा ये। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस बार टेस्ट में बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स में 100 में 100 लाया, है ना, मैंने आपका भी पूरा करेक्ट था मैथ्स, या कुछ गलत भी था। अच्छा, बाकी सारे सही थे, बिल्कुल सही है। तो ये सारे क्वेश्चन ही टेस्ट में आएंगे, इसलिए बार बार इसको तैयारी करके आओ, है ना। तो y माइनस ई टू द पावर एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या। तो देखो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ई टू द पावर एक्स वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, फिर e को डिफरेंशिएट करोगे तो e आएगा। एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताना मुझे। तो पहले हमने e को डिफरेंशिएट किया वैसे ही देखा, फिर एक्स वाई को हमने डिफरेंशिएट किया, तो मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स वाई माइनस 1। अब दोनों डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह करो पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन किया मैंने, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ई टू द पावर एक्स वाई माइनस 1, ठीक है। तो आज बायोलॉजी में क्या होने वाला है, ह्यूमन हेल्थ, आज ड्रग्स वगैरह सर। तो आज वंश तुम्हें भी क्लास अटेंड करना चाहिए, तुम्हारा भी बायो है ना, लेकिन ये अच्छा पढ़ाएंगे, मैंने AFMC क्या है ना। हाँ लेकिन मैंने सुना है बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना, ये अच्छा नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनका मैंने 2 घंटे खाली तुम बैठ के सुन लोगे ना, हमारा बायो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सच्ची बता रहा हूँ, सिर्फ कुछ नहीं करो क्योंकि तुमने बोर्ड में तुमने बायो ले लिया है, तो अब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बायो में फेल का मतलब है पूरे सब्जेक्ट में फेल, मैंने एक सब्जेक्ट से भी रिपीट करना पड़ता है ना, एक सब्जेक्ट में भी तुम फेल हो गए ना तो रिपीट करना पड़ेगा बोर्ड। तो इसलिए अगर तुमने बायो भी ले लिया है, मैथ्स भी लिया है, तो मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स तो तुम्हें रोज़ 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। और बायो अगर तुमने सिर्फ बैठ के क्लास में भी सुना ना, वो चीज़ें रजिस्टर्ड हो जाएगा, और फिर उसको तो क्या है, कुछ तो है नहीं। एड्स के बारे में तो तुम जानते ही हो क्या है, लिखना है बस, जो पॉइंट्स है बस वो लिखना होता है, और क्या है लिखना है इसमें। लेकिन वो बैठ के सुनोगे ना तो टेक्निकल बातें तुम्हें ध्यान में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी सर, हाँ इजी पड़ता है वही तो, इसीलिए तो मेरे समझ से ना वंश तुम्हें ना ज्वाइन करना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 2 महीने में बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 2 महीने ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 महीने कर लो क्लास, उसके बाद तो क्या है, फिर प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लेकर के बायो पढ़ लेना। हाँ कल से मैंने प्लान करो है ना, और थोड़ा सा क्योंकि शायद आज चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर आप तो जिनके भी बायो है ना, बायो को लाइटली मत लेना बच्चों है ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है, 10th का कहीं भी काउंट नहीं होता है मार्क्स, कहीं भी किसी भी प्लेसमेंट में 10th का मार्क्स काउंट नहीं होता है, 12th का मार्क्स काउंट होगा आपका है ना, तो 12th इम्पॉर्टेंट है। तो बोर्ड के लिए भी 50% दिमाग रखना है, और 50% हमें एंट्रेंस में भी रखना है ना, तो इसमें तुम्हें 80% के ऊपर जाना पड़ेगा, और सीबीएसई में या एचएससी बोर्ड में 80% लाना बहुत टफ होता है, बहुत टैलेंटेड बच्चों का आता है, बहुत कंटेंट लिखना पड़ेगा, जैसे लास्ट टेस्ट में जैसा तुमने कंटेंट लिखा ना वैसे लिखोगे तब जाकर के 80% क्रॉस होगा। हाँ बहुत लिखना पड़ता है ना, तो फेल बहुत बच्चे होते हैं, मैंने ये नहीं समझ रहा आईसीएसई बोर्ड है या कोई 10th में तो सबको पास कर दिया जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लेना तुम लोग, और जो भी करना है अगस्त तक कर लो, अगस्त सितंबर तक, उसके बाद नहीं कर पाओगे ज़्यादा, उसके बाद प्रैक्टिकल्स आएंगे तुम्हारे कॉलेज में, तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, फाइल्स लिखने पड़ेंगे है ना, फिर कॉलेज भी जाना पड़ेगा क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम रहेगा तुम्हारा, तो जो भी तुम्हारे पास टाइम है ना वो तुम्हारा अगस्त सितंबर तक का ही टाइम है, ठीक है। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालो, तो मैं इस स्टेप को यहाँ लिख देता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज वाई ई टू द पावर एक्स वाई माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो ये आपका सूत्र। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ ना कि डी वाई बाई डी एक्स है क्या, इन्फिनिटी है, तो वाई ई टू द पावर एक्स वाई माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वन। इन्फिनिटी को तुम फर्दर ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/0, तो वाई ई टू द पावर एक्स वाई माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वन, तो वन माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, और ये तभी पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स का वैल्यू 1 एंड वाई का वैल्यू 0 हो जाए। देखो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, मतलब ये राइट हैंड साइड वैल्यू तभी आएगा जब एक्स का वैल्यू 1 हो जाए
और y का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ से तुम्हें ये पॉइंट मिल गया, है ना, इसलिए लिख दो यहाँ पे देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट, है ना, द रिक्वायर्ड पॉइंट ये हो जाएगा 1, 0, ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो जिन्होंने डिफ्रेंसिएशन नहीं किया ना, एक बार कर लेना, फिर ये चैप्टर स्टार्ट करना, और फास्ट करो, आप स्लो मत करो, ठीक है, फास्ट उड़ाओ, 6-7 घंटे बैठना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा मैथ्स के लिए, रियली करना पड़ता है इतना। क्लियर है? कुछ तो नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल, और फिर डी बाई डी एक्स निकाल। ओके, बैठो। क्योंकि और कोई वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, और कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो ये 1 नहीं आ सकता, 1 को लाने के लिए यही कंडीशन रखना पड़ेगा। ओके, चलो, तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको बताया टेंजेंट एंड नॉर्मल बताया, इस कॉन्सेप्ट पे ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, इस पे ना पूरा एनसीईआरटी आपसे सॉल्व हो जाएगा, एनसीईआरटी आरडी शर्मा, एनसीईआरटी आरडी शर्मा का टेंजेंट नॉर्मल बच्चों आज ही बैठ के सॉल्व कर लेना, कल नहीं आज ही,